हेलो फ्रेंड्स, मैं जया सिंह आज एक बार फिर आपके सामने। आज मैं किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स बताने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ अपने लास्ट डिसऑर्डर डिप्रेशन पे बात करने के लिए कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसके साथ वो कैसे डील कर सकता है, डिप्रेशन के साथ कैसे कोप अप करे कि उसको डिप्रेशन से रिकवरी हो सके या वो अपने डिप्रेशन को कम कर सके। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस पर्सन का ये जानना ज़रूरी है कि वो वाकई में डिप्रेस है या वो सैड है। डिप्रेस और सैडनेस में एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सैडनेस में आपको रीज़न पता होता है कि आप सैड क्यों हैं, किस रीज़न से आप सैड हैं, कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है या कोई और रीज़न। लेकिन डिप्रेशन में आपको एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं पता होते या एग्जैक्ट रीज़न आपको नहीं पता होता कि आप डिप्रेस क्यों हैं। तो अपने एक वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे पहले ही बात कर चुकी हूँ कि डिप्रेशन के सिम्टम्स और रीजंस क्या हो सकते हैं। तो मेन है कि फर्स्ट थिंग, जब पर्सन डिप्रेस होता है तो उसे खुद नहीं पता होता कि वो सैड है या डिप्रेस है। तो सबसे पहले इस मेन डिफरेंस को जानने की कोशिश कीजिए कि आप डिप्रेस हैं या सैड हैं। अगर आप डिप्रेस हैं तो आपको रीज़न नहीं पता होगा, इट मीन्स आप डे बाय डे आप सिर्फ डिप्रेस रहेंगे, लोगों से मिलना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये चीज़ें। तो इन चीज़ों से आप कैसे छुटकारा पाएं या कैसे इन चीज़ों के साथ डील करें अपनी लाइफ में, तो जो फर्स्ट थिंग है कि कोप अप विद द डिप्रेशन, कि आप डिप्रेशन के साथ कैसे डील करें अगर आपको लग रहा है कि कोई और आपको नहीं संभाल पा रहा है उस कंडीशन में। तो मेन थिंग, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद मत करिए, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखिए, क्योंकि जब अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर देंगे तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मेन थिंग है कि आपको लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। कनेक्टिविटी आप कैसे बनाए रख सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, आपका मन नहीं है तो भी कोशिश करिए, किसी हॉबी क्लास को ज्वाइन करिए। अगर हॉबी क्लास आप किसी फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो मच बेटर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है हॉबी क्लास आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, तो आप अकेले ज्वाइन करिए, वहाँ फ्रेंड्स बनाइए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या जो भी आपके कलीग हैं जिनके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, फीलिंग शेयर करिए, जिसके साथ भी आप अपने मन की बात कह सकते हैं, कहीं है जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है उनके साथ बात करिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, तो इस मच बेटर कि इमीडिएटली आप एक काउंसलर को फाइंड करिए, क्योंकि इस केस में एक काउंसलर ही आपकी जो हेल्प कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप फीलिंग शेयर करते हैं तो मच बेटर। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप अपने मन की सारी बात शेयर कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है एक काउंसलर से बात करके, क्योंकि एक काउंसलर आपको बात सुनते समय कभी जज नहीं करेंगे, वो आपकी बात को उसी तरीके से सुनेंगे जिस तरीके से आप उन्हें बता रहे हैं। तो विदाउट जजमेंट जब कोई आपकी बात सुन रहा है तो शायद आप अपने बात को बहुत अच्छे तरीके से उस पर्सन को कह पाएंगे। जब भी आप डिप्रेस होते हैं आपको नहीं पता होता कि आप डिप्रेस हैं और आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चाहिए कि एक लिसनर, एक गुड लिसनर, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव कोई भी हो सकता है, और इनमें से अगर कोई नहीं है द बेस्ट इज़ काउंसलर। तो एक लिसनर का होना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि अगर कोई लिसनर नहीं होगा तो आप अपने डिप्रेशन की जो फीलिंग्स हैं, जो डिप्रेसिव फीलिंग्स हैं, उसे आप शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो डिप्रेशन डे बाई डे बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपका कोई अच्छा लिसनर मिल जाता है, इट मीन्स कि आपने 80% इस चीज़ को रिकवर कर लिया है, और बाकी बचे 20% आप कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पिक के लिए जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, कोई शेड्यूल तय कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको डेली किसी के साथ कॉफ़ी पे जाना है, डिनर पे जाना है। फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट कीजिए, अगर आप रिलेटिव से दूर रहते हैं तो किसी रिलेटिव के साथ शेड्यूल डिनर या लंच मीटिंग को आप शेड्यूल कीजिए, ताकि उनके साथ बातचीत होती रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे एरिया में हैं या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं, उनके साथ नहीं मिलना जुलना हो पा रहा है, आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया ऑप्शंस हैं, आप चैट के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू और फ़ोन के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं।
इट मीन्स कि आपको कनेक्टिविटी नहीं खत्म करनी है। जो पर्सन डिप्रेशन में जाता है, सबसे पहले वो कनेक्टिविटी को खत्म कर देता है, लोगों के साथ अकेला रहना शुरू करता है। तो सबसे पहली चीज आप ये जान के रखिए कि आपको अपनी कनेक्टिविटी लोगों के साथ खत्म नहीं करनी है, एक्टिविटी बनाए रखनी है, अपनी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहना है। आपका मूड है नहीं है, उसे वार्म अप करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाइए, कुछ योगा करिए, डांस करिए, बेस्ट है आप डांस करिए, अकेले में नाचिए, आप देखिए कि आपके अंदर क्या एक डिफरेंस आता है। इसके बाद आपको जब भी लगे कि आप उदास हैं, आप म्यूजिक प्ले कीजिए, म्यूजिक सुनिए और अकेले में नाचिए जितना नाच सकते हैं। रियली जो डिफरेंस आप फील करेंगे ना, कि आपका जो डिप्रेशन है वो कहीं गायब हो गया। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातें जो बताई हैं, अगर किसी एक को भी मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेटर किया है। थैंक यू।